हे गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम 220 वोल्ट एसी से ऑपरेट होने वाले इस एयर ब्लोअर को कन्वर्ट करने वाले हैं 12 वोल्ट डीसी के अंदर, हाई स्पीड 12 वोल्ट डीसी के अंदर। दोस्तों तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हम काम में लेने वाले हैं दोस्तों एक स्प्रे पंप की मोटर। ये 16 लीटर स्प्रे पंप होता है, उसकी मोटर है जिसकी वाइंडिंग में हमने कुछ बदलाव किए हैं। पहले इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग थी उसमें 28 गेज की वायर थी और टर्न थे 60 टर्न। अब हमने क्या किया है दोस्तों, हमने दो वायर को एक साथ लिया है, एक तो 26 नंबर वायर और दूसरी 30 नंबर वायर को लेते हुए हमने सभी वाइंडिंग्स के अंदर 28-28 टर्न हमने दिए हैं सभी में। ध्यान रखिए दोस्तों, ये वायर थोड़ा मोटा है और इसे बिल्कुल टाइटली बाइंड कीजिए तभी ये बाइंड हो पाएगी। बांस की लकड़ी होती है उससे कुछ ऐसे बना के मैंने इनमें सेफ्टी के लिए डाल दी है और इससे क्या, इसकी जो तार है वो बाहर नहीं निकलेगी और कटेगी नहीं दोस्तों, इससे मोटर ख़राब नहीं होगी और लॉन्ग लास्टिंग वर्क करेगी। ये कूलिंग के लिए दी हुई है, यहाँ कार्बन अटैच होता है, बैरिंग दिया हुआ है। ये दोस्तों बूस होता है, आगे बैरिंग है और पीछे बूस होता है इस मोटर में, नेट दी हुई है। फाइनली दोस्तों हमने मोटर को असेंबल कर लिया है, ऑन करता हूँ। अब देख रहे हैं स्पीड इसकी काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड है दोस्तों। इसमें मोटर को इस ब्लोअर के अंदर फिक्स करने के लिए हमने दो होल किए हैं, यहाँ पे शॉर्ट स्क्रू लगा के इस मोटर को फिक्स कर लिया है अच्छे से। देखिए बूस्ट लेने हैं और उनको थोड़ा हीट करके, बूस्ट को थोड़ा अपन करके इसमें इजीली फिट कर देंगे और थोड़ा जो फेविक होता है मैंने उसको डाल के दोनों साइड में एक बूस्ट ऐसे लगा के उनका फिटिंग कर दिया अच्छे से। और इनके लिए हम एक यूज़ करने वाले एक छोटी स्केल को, इसे थोड़ा सा बॉडी से ऊपर रखना है, टच नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ऐसे करते हुए जो कट है मोटर के साइड में, जो फैन है उसको फिटिंग कर लिया यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छे तरह से फिट हो चुका है, काफ़ी अच्छी स्पीड मिल रही है यहाँ पे। अब मैं स्क्रू लगा के जो इसका ये जो ऊपर का पार्ट है इसको टाइट। फाइनली दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन के रेडी हो चुका है।